गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। कभी आपके साथ हुआ है ऐसे कि आप अपना काम कर रहे हो और आपको नींद की झपकी आ गई? चलिए ये तो आपको लगेगा कि नॉर्मल सी बात है, ऐसा होता रहता है, पर फिर आपने बहुत ज़्यादा टायर्ड फील किया और आपको ऐसा लगा कि नहीं मैं काम ही नहीं कर सकती हूँ, बस अब मेरे से नहीं होगा। उसका सिंपल रीज़न है, हमने रात में पूरी नींद अच्छे से ली ही नहीं है। अब देखिए नींद पूरी न लेने के बहुत सारे कारण हैं, पर जो मेन कारण है जिसे हम एक्चुअली नज़रअंदाज कर देते हैं वो कारण है हमारा तकिया। कई बार ना तकिया बहुत अनकंफर्टेबल होता है और हमें ये बात समझ ही नहीं आती, हमें ऐसे लगता है कि अरे यार मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, पर कारण होता है तकिया। तो तकिया सही होना, सही तकिए का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको एक ऐसे तकिए से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी ना जिसे देखने के बाद, सुनने के बाद आप भी थोड़ा बहुत तो श्योर हो जाएंगे कि आपकी नींद पूरी क्यों नहीं हो रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सबसे पहले अब आप अपने तकिए के साथ भी एक लग्जरी फील कर सकते, एक कम्फर्ट फील कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा पिल्लो जिसके ऊपर आप नहीं सोते हो, आप उसके अंदर ही सो जाते हो, ऐसा भी बोल सकते हो। ये है स्लीपसिया के तकिए। मैं आपको इनके बारे में जब बताऊंगी ना, आप एक्चुअली यही बोलने वाले हो कि यार हमारे पास इतने अच्छे तकिया क्यों नहीं है। ये इतने अच्छे हैं ना कि सबसे पहले सुन ही लो कि इसमें ऐसा क्या है। स्लीपसिया के जो पिल्लोज है ये प्रीमियम क्वालिटी माइक्रोफाइबर पिल्लो है। सबसे पहले तो ये बेबी सॉफ्ट है, ब्रीदेबल है एंड कूल है, और हाँ ये क्रुएल्टी फ्री भी है। स्लीपसिया के इस माइक्रोफाइबर पिलो के ऊपर ये जो केस है ये बहुत ही सिल्की सॉफ्ट एंड बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। इसके अंदर जो माइक्रोफाइबर यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा फाइन है, फाइनेस्ट है ऐसा आप बोल सकते हैं, जिसकी वजह से आपके नेक को इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है कि बस आप तकिए पर लेटते ही सो जाते हैं। इसका जो पिलो है ना वो ऑल नाइट कूल रहता है, पता है कैसे? क्योंकि डाउन लाइक फाइबर एंड द पिलो केस एनहांस करता है इनर वेंटिलेशन सो दैट हॉट एयर एस्केप आउट। और डाउन लाइक माइक्रोफाइबर से ये बना होने की वजह से नेक को अच्छा सपोर्ट मिलता है ना, तब रात में तो नींद अच्छी आती है और सुबह जब हमारी एक होती है तो एकदम कॉन्फिडेंस भरी। वो कॉटन वाले तकिया आपने देखे हैं, वो बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट वो पीलिंग रेजिस्टेंस भी नहीं होते। ये डाउन लाइक माइक्रोफाइबर वाले तकिया बहुत ज़्यादा ब्रीदेबल होते हैं। एंड गेस व्हाट, आप इस पूरे पिल्लो को वॉशिंग मशीन में डालकर धो सकते हैं। मतलब ये वॉशेबल है, सिर्फ पिल्लो केस नहीं, पूरे पिल्लो की मैं बात कर रही हूँ, ये वॉशेबल है। इस पिल्लो को धोने के बाद सिंपली सन ड्राई कर दीजिए, ये एकदम नया जैसे हो जाएगा। मींस इजीली यू कैन गेट रिड ऑफ माइक्रोब्स एंड हाउसहोल्ड एलर्जेंस। इस तकिए का एक सिंपल एलिगेंट लुक तो बहुत प्यारा दिखता ही है, ऊपर से ये जो ब्लू कलर का यहाँ पर सैटिन पट्टा लगाया है और फिर यहाँ पर पाइपिंग की है, ओवरऑल इस तकिए का लुक बहुत प्यारा दिखता है एंड आपके बेडरूम का भी। एंड बेस्ट पार्ट गाइस, ये मेड इन इंडिया है। सो अब आप अपने कंफर्ट के साथ एक लग्जरी पिल्लो पर सोएंगे, अच्छी नींद लेंगे और सुबह जब उठेंगे ना तो एकदम रिफ्रेश रहेंगे। सो सिंपली हम क्या डिजर्व करते, एक ब्रीदेबल तकिया जो कि हमें बहुत बढ़िया वाली नींद दे एंड हमारी सुबह बेस्ट हो। सिंपली टच करो, स्मेल लो या जस्ट हग करो, बेस्ट वाली फील आती है, एकदम बेस्ट। तो फिर क्यों मानते हो ना कि मैंने आपको दी बेस्ट तकियों के बारे में बताया है, है ना? ऐसे पिल्लो जो आपका दिन बना दे, जो आपकी नाइट को बेस्ट बना दे, आपको बेहतर स्लीप दे, क्योंकि यू डिज़र्व इट गाइस, यू डिज़र्व इट। जब हमारी रात अच्छी होगी ना तो दिन बढ़िया होगा। सो यू डिज़र्व इट दी बेस्ट। वो जो रुई के तकिए होते हैं ना जो अनकम्फर्टेबल सी नींद देते और कुछ भी नहीं करते एक्चुअली, उन्हें जस्ट थ्रो करने का समय आ गया है। सो मैंने इनकी परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, आपको इजीली ये मिल जाएंगे। अमेजोन पर अवेलेबल है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको ये तकिया मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको नीचे मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जस्ट चेक कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।